दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को हम लोग जा रहे हैं चार धाम यात्रा, तो उसके लिए हमने एक फ्लिपकार्ट से बैग परचेज़ किया है, रक्षक बैग जो कि है 75 लीटर का और इम्पल्स का है और फ्लिपकार्ट से मंगाया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे ओपन करके दिखाते हैं आपको किस साइड से खोलना है। तो और जो वीडियोस है वो 1 तारीख से बनानी जो है चालू करूंगा मैं। तो जो तैयारी मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये जो बैग है हमारा आ गया है, तो ये तकरीबन 1 हफ़्ता लग गया इसको आने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इम्पल्स जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रांडिंग है इसके ऊपर, ये उनका लोगो है, ठीक है। तो कलर मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने यही ऑर्डर कर दिया। तो चलो मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। बिल नहीं निकला क्या आपने? तो ये इसका पॉलिथीन है और ये इसका जो टैग कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 75 लीटर का है बैग, ठीक है। मैं इसको अभी पूरा खोल के भी दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसका बिल देखते हैं, इसमें बिल आया है कि नहीं आया है। चलो तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके जो स्ट्रैप्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, देखिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। तो मैं देखो ब्लॉगर नहीं हूँ, मेरा आपको पता है चैनल मेडिसिन का है, अपना डॉक्टर राज है और भी 2 चैनल और हैं। तो ये मैं ब्लॉग का चैनल शुरू कर रहा हूँ, ये पहला ब्लॉग समझ लिए, पहली वीडियो है ब्लॉग्स की। तो जो मेन वीडियोस होंगी वो 1 अक्टूबर से चालू होंगी, जब हम चार धाम के लिए जाएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ, यहाँ जाएंगे तब आपको पूरी वीडियो जो फेस कैम वीडियो हो वो भी दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखिए इसके ऊपर ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, इम्पल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जिप भी अच्छी मेटल की है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक वगैरह की लगी हुई है, जिप भी देखिए आप अच्छी क्वालिटी की है। और ये देखिए अंदर से पूरा येलो है, मुझे नहीं पता था येलो, क्योंकि फ़ोटोज़ में नहीं दिखाया गया था कि येलो है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, अभी तो छोटा लग रहा होगा ना। तो ये देखिए इस साइड भी एक जिप दी गई हुई है जो कि है, कुछ भी ट्राईपोड वगैरह भी डाल सकते हैं या फिर पानी की बोतल भी डाल सकते हैं। यहाँ ट्राईपोड तो यहाँ फंसाना होता है, यहाँ पे कुछ और सामान डाल सकते हैं। मतलब जिप्स जो है बहुत सारी दी गई हैं, जिसकी चैन भी अच्छी क्वालिटी की डली है, देखो मेटल की है। और इसका प्राइस भी मैं बताऊंगा अभी आपको कितने का मुझे पड़ा है। ये तो काफ़ी साइट्स पे जो है मैंने चेक किया था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी महंगा लगा कई साइट्स पे। तो फ्लिपकार्ट पे अच्छा दिख रहा था, अच्छे मतलब रेंज में मिल गया। ये दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी का है, काफ़ी बढ़िया इसका मटेरियल। और ये अच्छी बात तो ये है कि ये एक वाटर प्रूफ बैग है, यानी कि आप इसे अगर बारिश वगैरह होती है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। इसमें रेनकोट दिया था, वो कहाँ है वो भी दिखाता हूँ, चालू करो। अरे इसमें रेनकोट कहाँ है? रेनकोट होना चाहिए, क्योंकि जो फोटोज़ में था रेनकोट दिखाया है, रेनकोट किस तरफ से। तो दोस्तों मैंने पूरा इसको चेक कर लिया, इसमें रेनकोट नहीं निकला है, तो मैं इसे वापस कर दूंगा शायद, और हो सकता है कि रख भी लूँ, क्या करना रेनकोट का। अब वापस करने में फिर आने में टाइम लगेगा, मंगाने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें 1 तारीख को जाना है, तो मुझे नहीं लगता मैं इसे वापस करूँगा, रहने देते हैं इसको ऐसे। और ये देखिए इसको आप यहाँ पे अगर भर जाता है ये पूरा,
भरने के बाद आप इसे यहाँ से जिप लगा के ऐसे इसको ऊपर से यहाँ से कवर कर सकते हो इसके स्ट्रैप्स, यही है ना? हाँ यही वाला है। तो इसको आप बड़ा जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही।